रामपुर बुशहर के आसपास के देवी देवताओं की उपस्थिति में मनाए जाने वाला जिला स्तरीय फाग उत्सव 22 से 25 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। उत्सव के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था और बाजार और मुख्य मार्ग में निकलने वाली देवी देवताओं की शोभा यात्रा प्रभावित ना हो सके, इसके लिए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है। पुलिस का प्रयास है कि मेले के दौरान भीड़ की वजह से यातायात प्रभावित ना हो, इसके लिए किन्नौर की ओर जाने वाले भारी वाहनों को रामपुर बाजार से पूर्व बजीर बाउंड्री से बाईपास की ओर सतलुज नदी किनारे होते हुए झाकड़ी भेजा जाएगा, जबकि किन्नौर और ज्यूरी सरहन की ओर आने वाली भारी वाहनों को झाकड़ी से चांटी होते हुए बजीर बाउंड्री ब्रो भेजा जाएगा। डीएसपी रामपुर अभिमन्यु वर्मा ने बताया कि सुविधा और ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए दिन में भारी वाहनों की आवाजाही रामपुर बाजार में प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने कहा कि देवी देवताओं की शोभा यात्रा को देखते हुए दिन में वाहनों को बीच बीच में रोक कर छोड़ा जाएगा। इस दौरान जिनको जल्दी जाना है और छोटे वाहन है उन्हें बजीर बाउंड्री ब्रो होते हुए चाटी पुल से रामपुर बस अड्डे निकाला जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि मेले के दौरान सभी के लिए सहूलियत का ध्यान रखें। तो एक तो जो हैवी व्हीकल तीन दिन 22 23 24 25 को वाया ब्रो से झाकड़ी होते हुए निकलेंगे अगर किन्नौर के लिए जाने वाले। बाकी के लिए हमने व्यवस्था की कि जो मार्केट के से बीच में जाने वाले वाहन हैं उनको इंटरवल के बाद छोड़ा जाएगा थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन इमरजेंसी में लोगों से मेरा निवेदन ये रहेगा अगर वो वजीर बॉडी से होते हुए चाटी पुल का यूज़ करेंगे तो उस साइड रश कम रहेगा, वहाँ भी डिप्लॉयमेंट दी जाएगी तो वहाँ से उनको ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि यहाँ भीड़ भड़क्का से होकर के हो जाएँ।